कहाँ से है? और ये यमुनानगर से। ओह कद्दू, नो बेटा कद्दू तो बहुत अग्रेसिव है भाई। ये वैसे करता है अग्रेसिव या ऐसे ही बस नए बंदों को देख के? नए बंदों को देख, क्योंकि ये ब्रीड इतनी अग्रेसिव होते ही नहीं है। हेलो फाइजर, ही इज अ हंबल बीस्ट, ट्रस्ट मी। अगर ये किसी के ऊपर, मतलब छोटे किसी डॉग के ऊपर अगर ये गलती से बैठ भी गया ना, तो वो मिलने नहीं वाला। हाय लकी, गुड बॉय गुड बॉय। इनके ना ये सबसे मेन चीज तो इनकी ये रहती होगी भैया, ग्रूमिंग। अरे वाह क्या बात है। अभी आप इसका ना गाइस, आप इसका हेड फेस देखना, बहुत ज्यादा अमेजिंग इसका हेड है। यूरोपियन और अमेरिकन में क्या फर्क होता है, आप मार को प्लीज थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं सर? यूरोपियन का ये सबस्टांस बहुत ज्यादा हैवी होता है। ओके, चेस्ट पोर्शन बहुत ज्यादा हैवी होती है, ब्रिस्केट हैवी होता है। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो ब्लॉग है बहुत ज्यादा मजेदार और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज मैं जा रहा हूँ पंचकुला डॉग शो अटेंड करने। सो गाइस, पंचकुला डॉग शो बहुत अमेजिंग, वन ऑफ द बेस्ट डॉग शोज में से एक है जो मैंने आज तक अटेंड की है, और इस साल का देखते हैं कैसा है। और हमारे सिकंदर भाई उनको ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो ज्यादा समय ना लेते हैं, चलिए इस ब्लॉग को शुरू करते हैं। और ब्लॉग के शुरू करने से पहले ये देखो मेरे शेर। हाँ जी, मेरा शेर। ओए ओए, हाँ उरी उरी, ओह अटैक, सीधा अटैक, सीधा अटैक। ओके गाइस, आई एम जस्ट ऑन द वे टू पंचकुला डॉग शो, और मैं आपको एक बहुत फन फैक्ट बताना चाहता हूँ अबाउट डॉग शोज। सो डॉग शोज जो है, ऑनलाइन डाटा जो अवेलेबल है वो ये कहता है कि 1859 के अंदर जो है न्यूकैसल इंग्लैंड के अंदर जो है डॉग शो शुरू किया गया था। और डॉग शो शुरू किया गया था एक ग्रुप के द्वारा, जो कि हंटर्स डॉग्स रखा करते थे। तो उन्होंने क्या करा, एक कॉम्पिटिशन टाइप अपने बीच में बना लिया, और उसके बाद धीरे धीरे करके वो ट्रेंड इतना फैलने लगा कि उनको एक कैनल क्लब बनाना पड़ा। एंड उसके बाद आपको पता ही है, अब तो पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी कंट्रीज का अपना अपना एक कैनल क्लब है, जिसके अंदर ब्रीडर्स, पेट ओनर्स और बहुत सारे डिफरेंट और भी जो है जो डॉग लाइन से जुड़े लोग होते हैं वो अटैच्ड होते हैं। सो फाइनली गाइज, हम जो है पहुंच चुके हैं। ओके गाइज, सो फिलहाल मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे रोहित भैया से। बहुत टाइम बाद मैं रोहित भैया से मिल रहा हूँ, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। रोहित भैया कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम रोहित भैया हमारे वीडियो में आ रहे हैं। वैसे मैं मिला हूँ उनसे बीच में वीडियो से अलावा, बट मैं इनको चाहता हूँ जब भी आए मेरी वीडियो में, क्योंकि एक लक लेके आते हैं, गुड लक चार्म लेके आते हैं भैया मेरी वीडियो के अंदर। सो भैया आप मेरे को बताओ, आप भी यहाँ पर हो तो यहाँ पे बहुत अमेजिंग दो डॉग्स देख पा रहा हूँ मैं। सो थोड़ा बताओगे कौन कौन सी ब्रीड है यार ये? प्लीज, ये टॉय पुडल है। ओके, एंड ऑनर हमारे भैया है, ओनर भैया है, ये चाइनीज इंपोर्ट है ये। वाओ। और हेलो, ये काटेगा तो नहीं? नहीं, नहीं। क्या नाम है इसका? निकी। अरे इसकी चेन बड़ी प्यारी है यार, तो आप ध्यान से देखोगे ना, बहुत प्यारी है। अरे वाओ। सो ये अभी ऑलरेडी इसको आप शो कर चुके हैं या अभी है इसकी रिंग? कर चुके हैं और अभी है एक रिंग और। वाओ। और ये मेरे को थोड़ा सा आप आइडिया भी दीजिए, इसकी एज कितनी है? ये 3 साल का है। 3 साल का, बहुत प्यारा है इसका ना। अच्छा, सबसे मेन चीज ना इस ब्रीड के अंदर गाइस ये देखी जाती है, इसकी ग्रूमिंग, राइट? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि ब्रीड एट द एंड जब आप इसको घर पे देखेंगे, इट विल लुक डिफरेंट। जैसे ही ये डॉग शो के लिए तैयार होगी, भैया इसको ग्रूम करेंगे, देख रहे हैं इतने तो बाल मैं भी नहीं तैयार करके लाता जितने इनके तैयार करने पड़ते हैं। हेलो, रिंग नंबर 2, कौन सा ब्रीड है ये? तो भाई यहाँ पर हमारे को बहुत प्यारे जो हैं, ये बेल्जियम शेफर्ड है अंकल? बेल्जियम है। लो जी, वो सोए हुए थे, हमने उनको वीडियो के लिए उठा दिया है। वाह, क्या नाम है इसका अंकल? इसका वैसे तो डॉक्यूमेंट केसर है। अच्छा, मैं उसको भी बोलूं। आप कहाँ से हो? अंबाला कैंट। अंबाला कैंट से। तो ये अंकल आपने वैसे ट्रेन किए हुए इन डॉग्स को? आपने पूरा खुद ही ट्रेन करते हो अंकल आप? या खुद ही। अरे वाह, सीट उसका, सीट बैठ गया, सलूट उसका, सलूट। नींद में है वो बेचारा, कह रहा हूँ सलूट। अरे वाह क्या बात है। अंकल आपको बेल्जियम कैसी लगी ब्रीड? ये बहुत अच्छी ब्रीड है। नॉर्मल जर्मन शेफर्ड से कितना का डिफरेंस रहता है इसमें, मतलब टेम्परामेंट? एथलेटी है ये। अच्छा, और मालिक का गार्ड डॉग है ये, बहुत अच्छा। तो मतलब आपके हिसाब से वो बंदा ले जिसको लाइफस्टाइल खुद भी भाग दौड़ वाली हो, जो एक्सरसाइज कर सकता हो, बीपी कोलेस्ट्रॉल सब कुछ कम करता है ये। अरे वाह, शुगर भी कम करता है। क्या बात है, इसको प्यार कर लूं मैं? हां बिल्कुल। नो बेटा नो, ये अग्रेसिव तो नहीं होते इतना ज्यादा? अग्रेसिव नहीं है, पर कमांड पे चलते हैं। कमांड पे चलते हैं। वाह जी, सब काम क्या क्या कर सकते हैं बताओ? थैंक यू ऑस्कर, स्पीक फिर से। 62 स्पीक
अरे वाह बहुत सही। सो गाइस मेरे को यहाँ पर बहुत एक अमेजिंग जर्मन शेफर्ड जो है लॉन्ग हेयर की जो एक फीमेल दिखी है। क्या नाम है भैया इसका? इलेक्ट्रा। इलेक्ट्रा, और आप कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा चरखी दादरी। हरियाणा, तो आपके पास सारे जर्मन शेफर्ड्स ही हैं? हाँ जी। अरे यार बहुत अमेजिंग। इसको और 3 सीसी लग चुकी है इसको। अच्छा है, तो ये चैंपियन बन चुकी है ऑलरेडी? आज चैंपियन बन जाएगी, 1 सीसी की कमी है। अच्छा अब 4 हो गए सीसी की। अरे वाह। ओके गाइस, अभी फिलहाल जो है मेरे को एक बहुत अमेजिंग गोल्डन रिट्रीवर यहाँ पर दिखे हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनको कवर किया जाए। आ जाओ। कैसे हो पाजी? ठीक है। आपका नाम क्या है प्लीज एक बार हमारी ऑडियंस को बताइए। तो आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं फतेहगढ़ साहब जिले से हूँ जी। वाओ, और यहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि बहुत ज्यादा जो है अमेजिंग गोल्डन रिट्रीवर जो है आपके पास है। क्या नाम है इनका पाजी, एक बार आप हमारे को आइडिया दे सकते हो? ये डेविल है जी इसका नाम। अच्छा, ये जो मेन वाला डॉग है आपका डेविल? जी। क्या बात है, चैंपियन डॉग है जी। अरे वाह। और कितनी है जी इसकी? 2.25 साल का जी। 2.25 साल का है। अरे वाह। अभी आप इसका ना गाइस आप इसका हेड फेस देखना, बहुत ज्यादा अमेजिंग इसका हेड है। तो आपका ये मेन स्टड होगा पाजी फार्म का, राइट? नहीं, इससे और भी है मेरे पास। अच्छा, आपके पास और भी है? अरे वाह यार, मेरे पास। वाओ, बहुत अमेजिंग इसकी कोट कंडीशन। और ये आगे इसके बच्चे हैं? आगे बच्चे हैं, ये भी इसकी बेटी है, ये बेटा है। अच्छा, अरे वाह। ओके गाइस, अभी यहाँ पर ना बहुत अमेजिंग केन गोर्स आए हुए हैं, एक ब्लू कलर का और एक डार्क ब्लू ब्रिंडल कलर का एक मेल है। सो मैं एक बार मिलवाता हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने जो है इनको डॉग शो में दिखाया था, तो मैं सोच रहा था कि इस बार भी क्यों ना इनको कवर किया जाए। बहुत टाइम के बाद आज पाजी से मुलाकात हुई है। सो पाजी, ये दोनों अब कितने कितने साल के हो गए? क्योंकि इससे तो मैं लास्ट टाइम मिला था, आई गेस ये 2 साल का हो गया जी पूरा। अच्छा, अक्टूबर में। वाओ, और ये? ये अभी 9 महीने का हुआ जी। और ये इसी का बच्चा है क्या आगे? इसी का पप्पी है। अरे वाह, क्या बात है। इसको थोड़ा हम खड़ा कर सकते हैं क्या इसको डॉग को? बिकॉज गाइस ट्रस्ट मी, वन ऑफ द ह्यूज डॉग मैंने अब तक जो देखे हैं अभी इस डॉग शो में, तो बहुत ह्यूज साइज है इसका। और सबसे बड़ी बात है, इस डॉग की सबसे खास बात है इसका हेड फेस। तो ये पाजी इंडियन है या इम्पोर्ट है ये? अरे वाह। गाइज यहाँ पर जो है मैं देख सकता हूँ एक बहुत अमेजिंग जर्मन शेफर्ड और एक बहुत अमेजिंग जो है सेंट बर्नार्ड है। कैसे हो पाजी? बढ़िया बढ़िया पाजी। आज क्या लेकर आए हो आप यहाँ पे? सेंट बर्नार्ड और जर्मन शेफर्ड। क्या बात है, दोनों आपके खुद के ही अपने? जी सर। बहुत सही, और आज इन्होंने कुछ जीता भी है मेरे को लग रहा है यहाँ पे। वाओ, कंसोलेशन प्राइज है। तो कितनी एज हो गई इनकी दोनों की अभी? 3 साल के आसपास है। ये एग्रेसिव तो नहीं है? नहीं नहीं बिल्कुल। अरे वाह, सो ये दोनों स्टड हैं क्या? हाँ जी। अरे वाह, 1.5 साल का, 50 मंथ। हेलो, क्या नाम है इसका? हिटलर। हिटलर। इसका? सिम्बा। सिम्बा, बहुत सही। पिछली बार भी कवर किया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो पाजी अपना नंबर बता दीजिए प्लीज एक बार। 9034595785। तो आप रहने का वाले कहाँ के? पिंजोर। पिंजोर, तो यार आप पाजी को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। पहले भी मैंने बहुत बार जो है इस डॉग को पाजी की अपनी वीडियो में भी दिखाया है। ओके गाइस, सो अभी ना एक सबसे ज्यादा अमेजिंग पूरे डॉग शो में जो मेरे को सबसे ज्यादा अमेजिंग डॉग लगा और सबसे ज्यादा ह्यूज डॉग लगा है वो यहाँ पर है। पाजी प्लीज हमारे को इसकी ब्रीड के बारे में बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सी ब्रीड है? ये इंग्लिश मैस्टिफ है भाई, और 2 साल का हो गया है इसके रिकॉर्डिंग। अगर बॉडी वेट की बात की जाए तो 102 किलो का है। 102 किलो का, सो मतलब मैं कह सकता हूँ टेक्निकली यहाँ का सबसे हैवी और सबसे लार्ज डॉग यही होगा। जी जी जी, पूरे डॉग शो में मैं देख चुका हूँ, इसी के ऊपर नजर जाती है गाइस। तो एक बार इसको प्लीज बाहर निकालते हैं, और अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो इस तरीके से इसको इन्होंने भी मैनेज किया हुआ ना, बहुत सही लग रहा है। और मेरे को पता लगा इसका वेट भी कम कराया गया अभी। हाँ, पहले 1.25 क्विंटल था जी। अरे, मैंने फाइनली कोशिश किया कि इसको पकड़ा जाए, बट ये मुझे लगता नहीं है संभलने वालों में से। चप चप, वाओ, पास आओ, चप चप। हेलो, ही इज अ हम्बल बीस्ट, ट्रस्ट मी। अगर ये किसी के ऊपर, मतलब छोटे किसी डॉग के ऊपर अगर ये गलती से बैठ भी गया ना, तो वो मिलने नहीं वाला। वाह जी वाह, मुझे तो खुद का डर है। हेलो चप चप भाई, बहुत बड़ा मुंह है इसका, मतलब इतना बड़ा तो इसका मुंह है। सो जस्ट इमेजिन। हेलो जी गाइस, हमारे को अभी मिले हैं योगेश भैया और ये अप्रैल को लेके आए हैं। क्या बना बाजी आज शो में? आज फिर इसका भी CC and BOB। अरे वाह, ये इसका तो बनता है, ये जिस स्टॉक शो में जाए तो ये वन साइड गेम हो जाती है। और इसके अभी पपीज भी हुए थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो अभी कब बना रहे हैं पपीज के साथ वीडियो? हम बस आपको जल्दी इनवाइट करता हूं। अरे वाह यार, बहुत सही, क्या बात है यार। ये ना, ये मतलब ये एक एनर्जेटिक ब्रीड है, इसको देख के ना मेरे को ऐसा मन करता है कि इसको सुबह सुबह वॉक पे लेकर जाया जाए और इसके साथ भागा जाए। ओके गाइस, बहुत अमेजिंग जो है एक टॉय ब्रीड मेरे को दिखी है। तो पाजी मिलता है, कैसे पाजी?
बहुत टाइम के बाद डॉग शो में फिर से मुलाकात हुई है यार। ये कौन सी ब्रीड लेकर आए हो? अग्रेसिव तो नहीं है? नो सर। अरे वाह जी वाह, ये कौन सी ब्रीड लेकर आए हो? कैवेलियर किंग चार्ल्स स्पैनियल। इसका तो नाम ही इतना टफ है यार, मुझे तो एक बार में याद भी ना हो। वाह, तो इस कहाँ की ब्रीड है, कुछ बता सकते हो इस ब्रीड के बारे में? थाईलैंड तो इंपोर्ट करा हुआ है। अच्छा, थाईलैंड तो। वाह क्या बात है, देख रहे हो इसकी मतलब एक ना चीज देखनी बनती है कि एक एक करके जो धीरे धीरे करके हमारे को वर्ल्ड की और ब्रीड के साथ इंट्रोड्यूस किया जा रहा है वो बहुत अमेजिंग है। इसका जो फेस है, इसकी जो टीथ है, इसकी जो कामनेस है, बहुत अच्छी ब्रीड लगी यार मेरे को ये देखना। तो भाई इस बार भी मेरे को भैया मिले, कैसे हैं भैया आप? बढ़िया भैया, बढ़िया। लास्ट टाइम मिले थे डॉग शो में, इस बार फिर से डॉग शो में मुलाकात। भैया हमारे को घर पे तो बुलाते नहीं है, बस डॉग शो में मिलते रहते हैं। भाई अगली बार पक्का आपको घर पे बुलाएंगे और अपना पूरा कैनल विजिट कराएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और आज कौन किसको लेकर आए होते हैं? आज ये किम है। अरे वाह, 10 मंथ होल्ड है। क्या बात है। यहाँ पर एक ये बिशोन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, बिशोन है ना, ये क्या नाम है इसका? लकी। मैं हाथ लगा लू इसको? हाय लकी, गुड बॉय गुड बॉय। इनके ना ये सबसे मेन चीज तो इनकी ये रहती होगी भैया, ग्रूमिंग है ना। कितना टाइम लग जाता है इसको ग्रूम करते हुए? ग्रूमिंग मॉर्निंग से हम लगे हुए हैं, शो खत्म हो जाएगा लेकिन ग्रूमिंग चलती रहेगी। अरे आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुड़गांव से। अच्छा एक चीज मुझे और जाननी है, ये इसकी टेल पे ये किस लिए डाला हुआ है? ये ताकि कवर अप रहे। अच्छा, गंदी ना हो, कवर अप रहे, एक शेप बनी रहे। ओके, तो इससे ब्लड ब्लड क्लॉट नहीं बनते? ब्लड नहीं रुकता? अभी तो जो मेन टेल है काफी अंदर है, तो सिर्फ बालों के कवर कर। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोगों के इसके बाद कमेंट्स आने वाले थे तो मैंने पहले ही पूछ लिया। पर एक बहुत अमेजिंग जो है ब्रिटिश बुलडॉग आया हुआ है, इसका नाम क्या है सर? इसका नाम कद्दू है जी। कद्दू? अरे कहाँ से है? और ये कितनी एज होगी इसकी? 10 मंथ्स। और आपकी आप ब्रीडिंग करते हैं सर या आपका खुद का है? बस पर्सनल डॉग है। मैं ट्रेनर हूँ। ओके, ये शेपर्ड साहब है, मिस्टर शेपर्ड जी। ओके, ये लग रहा है। ओके, कट हो गई। अरे वाह जी वाह, बहुत सही यार, सर ने बड़ा अच्छा डॉग रखा है, बहुत अच्छी चॉइस है सर की, बहुत बढ़िया। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारे को एक बहुत अमेजिंग डॉबरमैन दिखा है। अरे अरे अरे, क्या नाम है सर इसका? साइरस। साइरस, और इसकी कितनी एज है? 24 months। अरे वाह यार, वाह। अच्छा ये कौन से वाला डॉबर मैंने कुछ बता सकते हैं? हाँ जी, अमेरिकन। वाह यार, ये चीज तो बहुत अमेजिंग है यार, बहुत अमेजिंग। तो यूरोपियन और अमेरिकन में क्या फर्क होता है, आप हमारे को प्लीज थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं सर? यूरोपियन का ये सब्सटेंस बहुत ज्यादा हैवी होता है। ओके, चेस्ट पोर्शन बहुत ज्यादा हैवी होती है, ब्रिस्केट हैवी होता है। ओके, एंड बट वो रियर एंगुलेशन से बहुत ज्यादा पीछे है अभी। ओके, अमेरिकन स्टैंडर्ड जो है वो बहुत ज्यादा एलिगेंट लगता है। स्मार्ट लगता है। हाँ, स्मार्ट। अरे वाह, बहुत स्मार्ट है। बहुत सही, बहुत सही। ऐसा अभी मैं जो हूँ स्टेज पे हूँ, और सिकंदर पाजी कैसे हो जी? यहाँ पे डॉग शो चल रहा है और पाजी अपने कामों में लगे हैं डॉग शो के सभी। बहुत टायर्ड हूँ। तो कैसा रहा 3-4 दिन जो आपने मेहनत की पूरे दिन ग्राउंड पे, उससे पहले पूरे साल जो मेहनत चलती है, कैसा रहा डॉग शो? शो तो बहुत अच्छा रहा, जीत गए, सारे लोग खुश हैं। वाओ, एवरीबॉडी इज हैप्पी, आई एम टायर्ड, ये तो दिख रहा है। और ओके गाइस, सो विद दैट करते हैं आज के ब्लॉग एंड। आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा, यू नो मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए। और भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंटेंट डालता हूँ गाइस, देख लिया करो। और तुम्हारे भाई ने पॉडकास्ट चैनल लॉन्च कराया, अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पॉडकास्ट का चैनल का लिंक है, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में।